जय हो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, वुड नेवर मिस अपडेट्स फ्रॉम चरम मंगल। ये है कि हम भाग्यवान कैसे हो सकते हैं, यही प्रश्न है ना, कि हम भाग्यवान कैसे हो सकते हैं, किस्मत वाले कैसे हो सकते हैं। सिंपल सा सूत्र है, जिसकी नीयत अच्छी उसकी नियति अच्छी, जिसके भाव अच्छे वो है भाग्यवान। जिसके भाव अच्छे हैं, भावनाएं अच्छी है, वो भाग्यवान आदमी है। जिसकी भावनाएं खराब है, बुरी है, वो दुर्भाग्यवान आदमी है या नहीं? क्या लगता है आपको? अगर हमको ये लगता है कि पैसे वाले इसलिए किस्मत वाले हैं, ये कम पैसे वाले इसलिए कम किस्मत वाला है, अगर ऐसा सोचते हो तो साधु संतों के पास तो कोई पैसा ही नहीं है तो बेचारे किस्मत वाले ही नहीं हुए क्या? हाँ, सबसे ज़्यादा किस्मत वाले हैं ना। तो फिर ये जो हमारे समाज में सोच होती है ना कि कम पैसे वाला बोले तो कम किस्मत वाला, ज़्यादा पैसे वाला बोले तो ज़्यादा किस्मत वाला, इस सोच को चेंज कर दो। एक बार एक सम्राट था, उस सम्राट को किसी ने बताया कि तुम्हारी नगरी के बाहर एक बहुत अलमस्त फकीर रहता है और तुम इतने परेशान रहते हो, तो तुम्हारी सारी परेशानियों का अगर कोई समाधान कर सकता है तो वो फकीर कर सकता है। सम्राट को लगा कि अगर मेरी परेशानियों का समाधान कोई फकीर कर सकता है तो क्यों ना मैं उस फकीर के पास जाऊं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा लूं, सारे तनावों से मुक्ति पा लूं। अभी आपको और हमको लगता होगा सम्राट कितना भाग्यशाली है, महलों में रहता है, चारों ओर मलिकाएं, शराब की नदियां, जो चाहे सारे सुख के साधन उसको अवेलेबल है, अरे कितना भाग्यशाली होगा। एक नॉर्मल आदमी को लगता है सम्राट के लिए, लेकिन सम्राट मन ही मन बड़ा परेशान है, दुखी है, और उसके दुख के कारण भी बड़े अजीबोगरीब है। कभी सम्राट बनो तो पता लगेगा कि सम्राट लोग क्यों दुखी होते हैं, गरीब लोग क्यों दुखी होते हैं वो समझ में आता है, पर अमीर लोग क्यों दुखी होते हैं इसको समझना और बड़ा डिफिकल्ट काम है, पर अमीर भी दुखी होते हैं। तो सम्राट उस फकीर से मिलने के लिए खुद गया। अब फकीर से मिलने के लिए जा रहा था नगर के बाहर जहाँ वो फकीर है, तो उसके बीच में एक छोटा सा पुल बना हुआ था, पुल बड़ा कच्चा था, सम्राट की वो बग्घी उधर से जा नहीं सकती थी, तो सम्राट बग्घी छोड़ करके पैदल चला क्योंकि उसको फकीर से मिलना था। और जब पैदल चलते चलते वह उस कुटिया के करीब पहुंचा तो उसको एक जो टाट होती है ना, टाट बोरी बोलते जिसको, उस टाट को भी पैबंद किए हुए टाट से लिपटा हुआ एक आदमी मिला, और उस टाट की जिसने टोपी लगा रखी थी, तो उसने पूछा कि मैं फला फकीर से मिलने आया हूँ, कुछ नाम बोला कि क्या आप उसको जानते हो? तो व्यक्ति बोला हाँ जी बोलिए। तो बोले आप हो क्या वो फकीर? तो बोले हाँ। आप ऐसी कुटिया, ऐसा ड्रेस, बाप रे, इतने गरीब, इतना दुखपूर्ण जीवन जीते हैं आप? सम्राट के मुख से निकला इतने गरीब, इतना दुखपूर्ण जीवन जीते आप? वो फकीर मुस्कुराया, सम्राट के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोला, थोड़ा संभल के बोलिए, ऐश्वर्य के अभाव होने से कोई दुखी नहीं होता, दुखी आदमी तब होता है जिसको इच्छाएं बहुत सारी हो और उसकी इच्छाएं पूरी ना हो। हम जैसे लोग कभी दुखी नहीं होते, हमारे पास साधनों का अभाव हो सकता है, वस्तुओं का अभाव हो सकता है, लेकिन हमारे पास सुख का अभाव नहीं है। और वस्तुओं से सुख आता है ऐसी सोच गलत है। देखो जिसके पास ज्यादा कीमती वस्तु है उतने ज्यादा परेशान नजर आएंगे आपको। तो भाग्यवान की परिभाषा अगर आप ऐसा सोचते हो कि बहुत पैसे वाले किस्मत वाले होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हो तो किस्मत वाले होते हैं, बहुत अच्छे नाम हो दुनिया में तो किस्मत वाले होते हैं, तो जितना डर बदनामी का नाम वालों को है,
उतना डर किसी और को होगा क्या? जिसका नाम ही नहीं उसको क्या डर होगा, है ना? तो दुनिया में भाग्यवान होने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात, भावना है जिसकी शुद्ध है वो भाग्यवान है, जिसकी भावनाएं अशुद्ध है वह दुर्भाग्यशाली। अगर आपको अपनी भावनाएं शुद्ध बनानी आती है, आप सतत भाग्यवान ही हो रहे हो। और भाग्यवान और भावनाएं शुद्ध होने का मतलब यह है जिसके हृदय में कभी कोई प्रकार की दीनता नहीं है, जो दुखी रहता नहीं है, जो दूसरों के दोष देख देख करके अपने भीतर में द्वेष को पैदा करता नहीं है, वो आदमी भाग्यवान है और भाग्यवान बन रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सो कॉल्ड रिच, सो कॉल्ड हाई क्लास का व्यक्ति सब लोगों के दोष देख रहा है, तो जो दोष देखता फिरता है वो अपने दुर्भाग्य का सृजन करता है। अगर हम किसी में भी दोष देखते फिरते हैं तो मान के चलो कि अगर आप किस्मत वाले हो भी तो अब आपकी किस्मत कमजोर हो रही है, होनी स्टार्ट हो चुकी है। जिसकी नजर लोगों के दोषों पे पड़ी रहती है, टिकी रहती है, खोजना कभी हमारी नजरें जाति का है, क्वालिटीज को ज्यादा देख रही होती है या कमियों को ज्यादा देख रही होती है, किसको? बस तो दुर्भाग्य बनने का तरीका मैं आपको बता देती हूं। दोष देखो, दुर्भाग्य बनो। बनना है? किसको बनना है दुर्भाग्य? किसको बनना है यहां पे दुर्भाग्य? कोई चाहेगा? नो वन वॉन्ट्स। कोई भी तो दुर्भाग्य बनना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी लोग वो कर्म कर रहे हैं जिनसे कि उनका दुर्भाग्य बन रहा है। वो कर्म है सबकी कमियां देखना। दोष देखो, दुर्भाग्य बनो। गुण देखो, सौभाग्य बनो। सद्गुण देखो और सद्भावित बन के जियो तो आप भाग्यवान बन रहे हो। और आप सद्गुण नहीं देख पाते और सद्भावित नहीं रह पाते तो हम दुर्भाग्यवान बन जाएंगे। इसीलिए संभल के जीना। इस आँखों को, इस दृष्टि को, इन नज़रों को किसी की कमी देखने पे मत टिकाना, क्योंकि जिस किसी की कमी देखी, एक प्राकृत न्याय है कि हमने अगर किसी की भी कमी देखी है, वो कमी जो हमने किसी अन्य में देखी है, कुछ देर के बाद में वो कमी आप में लोग देखने वाले होंगे। वही कमी कुछ देर के बाद आप में लोग देख रहे होंगे, क्योंकि जैसे हमने कमियां देखी वो कमियां हमारे अंदर पनपनी स्टार्ट हो गई, पनपनी स्टार्ट हो गई, कनेक्शन बन गया। कमी देखते ही कमी से कनेक्शन बन गया। फिर भी हम लोग क्या करते हैं बताओ ना? अपने साथ रहने वालों की, दूर की तो बात छोड़ो, अपने साथ रहने वालों की, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भैया, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, इन सब में आप ज़्यादा क्या देखते हो? ईमानदारी से सोचो, आज ज़्यादा क्या देखते हो? कमियां या क्वालिटीज़, अच्छाइयां, क्या देखते हो? हाँ, कमियां ही दिखती है ना। एक स्थान पर हमारा, हम लोग एक शिविर ले रहे थे और शिविर में एक दिन का सब्जेक्ट था कि आज रात को बैठ के आपको होमवर्क करना है और अपने अंदर जो जो कमियां उसको नोट डाउन करके लाना है। तो अगले दिन सबकी कॉपी चेक होने वाली थी। तो सबसे पहले जो लेडी आई कॉपी दिखाने, उसने 3 कमियां लिखी। तो हमने कहा, अच्छा, आप में 3 कमियां हैं, आपका पेपर पूरा नहीं भरा, वो फटाफट आपने 3 कमियां लिख करके काम पूरा कर दिया। बोले, महाराज साहब, आपने होमवर्क ही ऐसा डाला। मैंने कहा, मतलब कि आपने ये कहा कि अपनी कमियां लिखो, आप कहते अपने हस्बैंड की कमियां लिखो, फिर पूरी कॉपी भर के लाती। तो अगर किसी पड़ोसी की कमियां लिखनी होती तो कॉपी भी भर सकती थी, अपनी कमियां लिखनी है तो मेरे में तो 2-3 ही कमियां है, बाकी कुछ तो है ही नहीं। तो बात सच है या नहीं? हाँ, सब लोग क्या देखते हैं? अपन दूसरों की खामियां देखते बैठते हैं ना, खामियां देखते हैं इसीलिए दुर्भाग्य बनते। खूबियां देखेंगे तो सौभाग्य बन जाएंगे। तो सरल सा फार्मूला है भाग्यवान बनने का तरीका, गुणग्राही बनो,
सद्भावित बनो, भाग्यवान बन जाओगे, सौभागी बन जाओगे। और अपने मन में हमेशा दुखी रहते हो, दूसरों के दोष ही देखते रहते हो, रोना ही रोते रहते हो, परेशान रहने की आदत है, दीन बनने की आदत है, तो फिर दुर्भाग्य का ही सृजन करते जाओगे। और बहुत 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 अमीर लोगों में भी ये कमियां मिलती है अक्सर, कि वे अपनी रोना ही रोते रहते और उनके पास में आज रोने का कोई कारण नहीं है, दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आज उनके पास में सब कुछ है। तब भी उनसे बातें करोगे ना तो वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे 10 रुपए से काम चालू किया था, कैसे एक टाइम की रोटी छोड़नी पड़ती थी, कैसे रहने के लिए जगह नहीं थी उनके पास में। अरे भैया, तुम्हारे पास्ट में तुमने कितने भी कष्ट उठाए थे, अब तो छोड़ दो ना, आज तो महलों में हो। लेकिन वे जब भी बातें करेंगे तो पिछले सारे अभावों की बातें करते मिलेंगे। और वे जानते नहीं कि जितने ज्यादा आप अभावों की बातें कर रहे हो, आप वापस उन्हीं अभावों के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हो। लेकिन कितने अमीर है जो अपने गरीबी के समय की बातें करते हैं, आप में से भी कई लोग होंगे। ये भूल हम लोग कर बैठते हैं, आगे से ना करें। अपनी पिछली बातों को, पिछली यादों को, जिंदगी के पिछले अनुभवों को, जो दुखद रहे हैं, जो दुखपूर्ण रहे हैं, उन सबको अगर आपने नहीं छोड़ा, उन सबको सोचना बोलना नहीं छोड़ा, तो आप दुर्भाग्य बन जाओगे। कौन दुर्भाग्य होना चाहता है कोई हम में से जो बदकिस्मत बनना चाहता है, जो अनलक्की बनना चाहता है? कोई है? कोई भी तो नहीं। अरे कोई भी नहीं, तो फिर इस आदत को छोड़ दो, पास्ट को छोड़ दो। पास्ट में हमने कितने भी दुख उठाए हो, गरीबी भोगी हो, परेशानियां रही हो हमारी जिंदगी के अंदर, अब उनकी चर्चा ही मत करो, क्योंकि जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। लेकिन जो लोग पिछली यादों को छोड़ना ही नहीं जानते, उनका जीवन फिर पिछली घटनाओं के जैसी ही बुरी घटनाओं को निर्मित करता चला जाता है। फिर पिछली घटना में जैसे दुख उठाए थे, भविष्य में फिर ऐसे ही दुख बन जाएंगे। इसीलिए अगर दुर्भाग्य नहीं चाहिए तो दुखद घटनाओं को भुला दो, दुर्भावों को भुला दो, दोष देखने की आदत को छोड़ दो, केवल गुण देखो, खुश रहना स्टार्ट करो और सबको दुआ देना स्टार्ट करो। उस सम्राट को उस दिन समझ में आया कि पैसा नहीं होने से एक व्यक्ति अभाव की जिंदगी जी सकता है, लेकिन दुखी नहीं होता। दुखी वह होता है जिसके मन में बहुत सारी कामनाएं हो, इच्छाएं हो। अगर आप में से किसी को भी लगता हो कि मेरे पास पैसा थोड़ा है इसलिए मैं दुखी हूं, तो इस सेंटेंस को जरा तोड़ देना। पैसा थोड़ा होने से दुखी नहीं हो, दुखी इसलिए हो क्योंकि चाहत बहुत ज्यादा है और चाहत पूरी नहीं हुई। और चाहत का एक नियम है कि वो जितनी भी पूरी हो जाएगी वो हमेशा कमी रहेगी। इसीलिए पैसा नहीं होने से कोई दुखी नहीं होता है। दुखी आदमी क्यों होता है? एक फार्मूला है, दुख और सुख का एक फार्मूला है। फार्मूला यह है, ना समझ इक्वल टू दुख और समझदार इक्वल टू सुख। जो समझदार है वो सुखी है, जो ना समझ है वो दुखी है। अब बताओ, हम में से कोई आदमी कभी ये बोला क्या कि मैं ना समझूं? हर आदमी क्या बोलता है? मैं तो समझदार हूं। हर इंसान अपने मन में अपने आप को समझदार मान के जी रहा होता है या नहीं? आपको क्या लगता है, आप बेवकूफ हो, मूर्ख हो, पागल हो? नहीं ना। क्या लगता है, इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, ब्रिलियंट हो? यही तो लगता है क्यों भाई साहब? यही तो लगता है कि मैं बहुत समझदार हूं। तो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि समझदार हो तो सुखी हो और ना समझ हो तो दुखी हो। और आप कहते हो मैं समझदार हूं इसलिए दुखी हूं, तो जरा ठहरो, सेंटेंस को चेंज करो। समझदार आदमी कभी दुखी नहीं होता। अगर समझदार आदमी दुखी होता तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, ये सारे लोग दुखी नजर आते हैं।
लेकिन देखो ना, चारों ओर जिसकी मौत खड़ी है मारने के लिए चारों ओर लोग तैयार है, वह श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ नजर आता है। उसको पता है कि हर दिन उसको मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए लोग भेजे जा रहे हैं। नहीं, कभी कोई नाग भेजा जाता है, कभी कोई वो वेंत्री भेजी जाती है, कभी कोई अलग अलग तरह के गुप्तचर भेजे जाते हैं, आक्रामक लोग भेजे जाते हैं। श्री कृष्ण को पता है हर पग पग पर उसके सामने मौत खड़ी है। और श्री कृष्ण कैसे है, मस्त बांसुरी बजा रहे, मस्त गायों को चरा रहे, मस्त मक्खन खा रहे, और चारों ओर मौत है तो उस मौत को भी छका रहे। बताओ, समझदार वो है कि हम? वो तब भी सुखी है और हम बीमार नहीं भी है ना, तो दूसरों की बीमारियां देख देख करके बीमार हो जाते, सोच सोच के बीमार हो जाते। तो भाग्यवान कौन होता है? जिसकी भावनाएं शुद्ध, वो भाग्यवान। जिसकी भावनाएं अशुद्ध है वह दुर्भाग्यवान। जय हो।